खबर है यूपी के बरेली से, जहां प्रेमी के साथ शादी करने आई सिकंदराबाद की एक किशोरी को कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कचहरी पर कोर्ट मैरिज के कागजात तैयार कराते हुए पकड़ लिया। हंगामा होने पर दूसरे समुदाय का प्रेमी अपने माता पिता और नाबालिग प्रेमिका को छोड़कर मौके से भाग निकला। बताया यह जा रहा है कि अंतर धार्मिक विवाह की चर्चा तेजी से कचहरी परिसर में फैली हुए कार्यकर्ता उन्हें किशोरी के साथ एसएसपी ऑफिस लेकर पहुंचे, जहां किशोरी ने दूसरे समुदाय के प्रेमी से ही शादी करने की जिद करते हुए जमकर चीख पुकार की। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने सभी को महिला थाना पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं अलीगढ़ जिले के सिकंदराबाद की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी ने बताया कि उसका पिछले करीब एक साल से फतेहगंज पश्चिमी के रहने वाले अरबाज से प्रेम प्रसंग चल रहा है। वह उससे सिकंदराबाद में ही मिली थी। कुछ दिन पहले वह अरबाज से शादी करने के लिए परिवार को छोड़कर बरेली चली आई थी। कचहरी में कोर्ट मैरिज करने के लिए किशोरी ने आरोप लगाया कि कागजात तैयार कराते वक्त एक हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता ने उन्हें देख लिया और उनसे पूछताछ की। इसी बीच उसका प्रेमी सबको छोड़कर मौके से भाग गया। पकड़ा गया तो किशोरी को पहचानने से उसने इनकार कर दिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उन्हें एसएसपी कार्यालय लेकर पहुंच गए। किशोरी ने पुलिस कर्मियों के बीच पूछताछ होने पर अपनी पहचान और युवक से संबंध होने की बात कबूली और उसने यह भी बताया कि कोर्ट मैरिज के लिए गवाही देने उसके साथ कुछ लोग आए थे, लेकिन हंगामा होने पर सभी लोग मौके से भाग गए। हालांकि महिला थाने की पुलिस देर शाम तक उनसे पूछताछ करती रही। बताया यह जा रहा है कि किशोरी को जब एसएसपी ऑफिस लाया गया तो वह हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर भड़क गई और उसने वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं एसएसपी ऑफिस में उसने बिलखते हुए कहा कि अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वो मर जाएगी और उसकी मौत के जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। आपको बता दें कि लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज है, वहां की पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। फिलहाल दंपत्ति और किशोरी को महिला थाने में रखा गया है। दिल्ली पुलिस के आने पर उन्हें सौंप दिया जाएगा, साथ ही दंपत्ति का बैकग्राउंड भी चेक किया जा रहा है। पुलिस को एक सूचना मिली कि एक लड़का और एक लड़की दोनों नाबालिग प्रतीत हो रहे थे, ये बरेली में कोर्ट में शादी करने के उद्देश्य से आए हुए थे। पुलिस को जैसे सूचना मिली पुलिस मौके पर गई और इनको थाने पर लाया गया। थाने पर लाकर इनसे गहन पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये बदरपुर इलाके से आए हुए हैं। वहाँ के स्थानीय पुलिस से जब संपर्क किया गया तो पता लगा कि जो लड़का है उसके खिलाफ थाना बदरपुर में 363 का मुकदमा पंजीकृत है और दिल्ली पुलिस के द्वारा दोनों को बरामदगी के लिए प्रयास किया जा रहा है। बरेली पुलिस के द्वारा आज दोनों को बरामद कर लिया गया है। वहां के जो आईओ हैं इस केस के उनसे बातचीत हो गई, आईओ आ रहे हैं, उनको हम तो सबूत कर देंगे। अग्रिम विधि कार्रवाई वहाँ के जो आईओ है उनके द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।